सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास है हीरो की सुपर स्प्लेंडर, जो कि आपको पता है कि फुली ब्लैक वेरिएंट में आ चुकी है। और यहाँ पर भी इसमें कई सारे चेंजेस हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एक E20 वेरिएंट के नाम से एक नया वेरिएंट लॉन्च किया गया, जिसमें आपका पेट्रोल जो है वो 80% रहेगा और 20% आपका गन्ने का रस रहेगा, या फिर मकई का दाने का रस रहेगा, या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम। कुल मिलाकर के ऑर्गेनिक चीज़ जो है वो 20% रहेगी और 80% जो है आपका फ्यूल रहेगा, ताकि ये बाइक जो है वो कम से कम एमिशन को प्रोड्यूस करे, यानी कि कार्बन और फुटप्रिंट्स काफ़ी कम छोड़े। और माइलेज भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप खुद सोचते हो, अगर आप पेट्रोल में थोड़ा बहुत 20% पानी मिला दोगे तो कहाँ से वो उतना अच्छा माइलेज दे पाएगा, या फिर पिकअप एंड परफॉर्मेंस दे ही पाएगा। तो वैसे बात करें E20 वेरिएंट के बाद इस बाइक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो सुपर स्प्लेंडर की जो बैजिंग है वो यहाँ पर क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाती है, और क्रोम की अगर बात की जाए तो वो आपको हीरो का लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप देख रहे थे इसके वाइजर पर एच वाला लोगो है, तो हाँ, एच वाला लोगो यहाँ पर अभी भी दिया गया है, यानी कि स्टीकर की जगह पर आपको यहाँ पर एच का जो लोगो है वो प्लास्टिक के एम्ब्लेम में दिया गया है। बाकी यहाँ पर अगर टैंक पे फिनिशिंग की बात की जाए तो स्टिकर के अलावा और कुछ भी फिनिशिंग में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बाइक थोड़ी सी जैसे लग रही है ओल्ड टाइप हो, क्योंकि ये पुराने वेरिएंट्स पर ही E20 वाला जो स्टिकर है वो अप्लाई किया गया है, और ये स्टिकर से भी इस बात को मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये बाइक पुरानी रही होगी। मतलब है तो ब्रांड न्यू, लेकिन जैसे प्लांट में बहुत दिन से रखी रहती हैं बाइकें, तो उस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि पुरानी हो चुकी हैं। बाकी यहाँ पर अगर इसके इंस्ट्रक्शन देखें तो वो पुराना वाला ही है। यहाँ पर डिजिटल वाला अभी फ़िलहाल इस वाले वेरिएंट में नहीं दिया गया है। डिजिटल का वेरिएंट है, लेकिन वो बस छोटा सा 1.5-2 इंच का ही है, बाकी आपको ये एनालॉग में ही देखने को मिलेगा। मगर हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी इसमें ऑलरेडी आपको मिल जाती है, तो और ज़्यादा इस बाइक से और कुछ मांगने की ज़रूरत आपको है भी नहीं। बाकी मैं स्विचेस की क्वालिटी की बात करूँ तो दिल से बोलूँ यार, तो जो क्वालिटी पहले हीरो अपनी बाइकों में दिया करता था वो क्वालिटी थोड़ी सी अब गिर गई है। वजह यह है कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, और अगर बाइक का प्राइस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हो कि बाइक जल्दी कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। कि 100 cc की बाइकें, 125 cc की बाइकें यार 1,00,000 रुपए के अंदर समेट करके रखना बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी 1,00,000 के ऊपर जा ही रही हैं, अब और इससे ऊपर ले जाते हैं तो मार्केट में इसकी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। क्योंकि इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो 125 cc में रेडर भी आ जाती है, पल्सर भी आ जाती है, तो अगर इन्हें मार्केट में रहना है तो क्वालिटी तो गिरेगी प्राइस डाउन करने के लिए। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो क्रोमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्रोमिंग का ये वाला बड़ा सा पीस मिल जाता है, जिससे बगल में FI लिखा हुआ है, और ये वाला पीस जो है वो अभी तक ब्लैंक ही आ रहा है। टैंक पर भी लगभग ब्लैंक ही दिया गया है, इसका जो मडगार्ड है वो भी लगभग ब्लैंक ही है, वाइज़र भी पूरी तरीके से लगभग मैं कहता हूँ कि ब्लैंक ही है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए इसके हेडलाइट की, तो हेडलाइट आपको हेलोजन की देखने को मिल जाती है, जिसमें कोई भी तरीके का पायलट लैंप या फिर DRLs देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े से एरोडायनामिक्स टाइप बनाए गए हुए हैं, यानी थोड़ा सा एरो टाइप बनाया गया है। बाकी यहाँ पर इस बाइक की अभी PDI नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें जो इसका साइलेंसर है उसके ऊपर इसका प्लेट नहीं लगाई गई है, और साथ में इसके कैटेलिटिक कन्वर्टर को ढकने के लिए कैप भी नहीं लगाया गया है। बाकी इस बाइक में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और ये बाइक सिंगल स्पार्क प्लग के साथ आती है। यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर फ्रंट में आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा, रियर में भी आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा। ABS का कोई सवाल उठता नहीं है अगर डिस्क नहीं है तो, लेकिन हाँ, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको ज़रूर से देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात की जाए इसके इंजन के पास, तो इंजन के पास आपको यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पता है कि आपकी बाइक अगर थोड़ा बहुत एडवांस होना चाहेगी तो आपको ऐसे बहुत सारे सेंसर देने ही होंगे। बाकी यहाँ पर सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बाकी बजट सेगमेंट की बाइक है तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी चैन कवर की बात की जाए तो चैन कवर आपको यहाँ पर प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, वो नॉइज़ कम करेंगे, जल्दी गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं। सो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।